हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक कुकिंग विद प्रतिभा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और हेल्दी होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा कुल्फ़ी, जो कि बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। अगर मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी और यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए हमारा मावा कुल्फ़ी कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। आप इसे गिलास में भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने दूध लिया है, 1 लीटर है, ये फुल फैट दूध है। मावा है, ये घर का मावा है। चीनी है, इस चम्मच से मैंने 5 चम्मच लिया है। आप चीनी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये इलायची पाउडर है, 1 चम्मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे मैंने गैस में चढ़ा दिया है। दूध बॉयल हो चुका है। आप चाहे तो मावा को थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सी में ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं, उसके बाद डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं ग्राइंड करूँगी ठंडा होने पर। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आधा होने तक पकाना है हमें। 12 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करने पर। घी निकालने के बाद जो मावा बचता है ना, ये वही मावा है, उसी से बना रही हूँ मैं। इसे डालने पर हमारा कुल्फी बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। बचे हुए मावा का मैंने मिल्क केक भी बनाना बताया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। हमारा ये हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये नीचे बैठ गया है, इसे हम छान लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। आप शुरू में इसे ग्राइंड कर लेंगे ना दूध के साथ, तो ऐसे करना नहीं पड़ेगा आपको। इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं आप सभी को, और इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। ग्राइंड करने के बाद हम इसे दूध में मिला देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसे पेपर ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे सभी में, इस प्रकार। ये इस प्रकार के गिलास में भी आप डाल सकते हैं, छोटे बच्चे के गिलास होते हैं उसमें, बहुत अच्छे से जम जाता है इसमें भी। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से रैप करेंगे ताकि आइस क्रिस्टल ना जमे अंदर। अच्छे से रैप करके रबड़ लगा देंगे इस तरह। इसी प्रकार हम सारे में कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल को, और इसमें हम स्टिक भी लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार करके हम लगा रहे हैं सभी में, हम लगा देंगे। हमारा रेडी हो चुका है ये। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। नेक्स्ट डे हमारा कुल्फी बन के रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही इजी है ये। देखिए हम इस प्रकार निकाल लिए हैं और हाथों से थोड़ा सा रब करेंगे। हमारा स्पेशल कुल्फी बन के रेडी है। ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। इसी प्रकार से हम दूसरे कुल्फी को भी निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं कैंची से और इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।